नमस्कार टुडेज बिग न्यूज को स्वागत करुच्छे मुस्तांशु। पश्चिम ओडिशार विकास को त्वरान्वित करने मुख्यमंत्री आउ एक पदक्षेप नहीं जार आधार में मुख्यमंत्री सभागृहर कार्यक्रम खूब शीघ्र आरंभ करा जिबो। पश्चिम ओडिशा मुख्यमंत्री 33.58 कोटी विभिन्न कल्याणकारी प्रकल्प सह भित्तिप्रस्तर को गुरुत्व देखते तार उद्घाटन कर सारी। पश्चिम ओडिशार विकास परिषद अधीन 5T उपक्रम एसबु कार्यक्रम गुड़िक कार्यकारी कर 2000 कोटी टंकारे कल्याण मंडप और सभागृह 125 कोटी टंकार व्ययबरद कर जनसाधारण सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उन्नति आने लक्ष्य रे मुख्यमंत्री एभली एक गुरुत्वपूर्ण दिगक हाथ को नहीं जार आधार में वर्तमान पश्चिम ओडिशा रे मुख्यमंत्री सभागृह कार्यकारी हेबो। पश्चिम ओडिशा विकास परिषद बजेट को द्विगुणा होगा सहित यार कार्यक्रम मध्य वृद्धि पाइबार लगी। जो देखा विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे समृद्ध एवं किभली भाव में सुदृढ़ हो पार सामाजिक सांस्कृतिक जीवन तारी आधार में एभली एक योजना राज्य सरकार कार्यकारी कर मुख्यमंत्री सभागृह यह आज आम टुडेज बिग न्यूज नजर पकाइबा। पश्चिम ओडिशा रे मुख्यमंत्री सभागृह पश्चिम ओडिशा विकास साधारण लोक जीवन जीविकार उन्नति निमंते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सर्वाधिक गुरुत्व दी जलसेचन पानी जल स्वास्थ्य सेवा शिक्षा व्यवस्था आदि प्रत्येक क्षेत्र में पश्चिम ओडिशा पाई मुख्यमंत्री हाथ खोली देखते क्रम विभिन्न प्रकार सामाजिक कार्यक्रम सभा कार्य आयोजन तथा पश्चिम ओडिशावासी समस्या दूर पाई राज्य सरकार ग्रहण कर अभिनव पदक्षेप साधारण लोक गोटे छात तले समस्त सुविधा प्रदान लक्ष्य मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पश्चिम ओडिशावासी आरंभ कर मुख्यमंत्री सभाकर योजना। यह योजन पश्चिम ओडिशार विभिन्न स्थान में प्राय 2000 कल्याण मंडप और स्थानीय सभागृह गुड़िकर निर्माण निम्ते 125 कोटी टंका विनियोग करा। पश्चिम ओडिशार जनसाधारण सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन आहरी सुदृढ़ और समृद्ध हो 5T उपक्रम अधीन कार्यक्रम हाथ को निजी उल्लेख कर यहसबु भित्तिमि कम ठिक समय शेष हो गुणात्मक मान बहुत भल रही मुख्यमंत्री आशा प्रकाश कर। यह अवसर में मुख्यमंत्री 33.58 कोटी टंका विनियोग अनेक प्रकल्प उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन कर कार्यक्रम शुभारंभ कर मुख्यमंत्री कहते जे पश्चिम ओडिशार विकास को से सर्वदा प्राधान्य दे आसी। पश्चिम ओडिशा विकास परिषद बजेट को द्विगुणा वृद्धि कर यार कार्यक्रम परिसर मध्य वृद्धि पाई जनप्रतिनिधि मान आलोचना कर विकास कार्यक्रम हाथ को नेपाई से विकास परिषद को परामर्श देते और समग्र अंचल विकास क्षेत्र में पश्चिम ओडिशा विकास परिषद प्रमुख भूमिका निर्वाह करेणु ओडिशार विकास में पश्चिम ओडिशार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। कृषि शिल्प शिक्षा कला और संस्कृति में पश्चिम ओडिशा अत्यंत समृद्ध पर्यटन विकास पर माँ समलेश्वरी हरिशंकर नृसिंहनाथ मंदिर रूपातर काम चली सहित आहरी अनेक मंदिर और भित्तिमि कम पदक्षेप आरंभ हो। मुख्यमंत्री सभागृह जो व्यवस्था हाथ को नहीं राज्य सरकार पश्चिम ओडिशार कि भाव सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में समृद्धि और सुदृढ़ हो पार गुरुत्व राज्य सरकार एभली एक पदक्षेप हाथ को नहीं जो योजनार ना रही मुख्यमंत्री सभागृह एवं यार आधार में पश्चिम ओडिशार 2000 कल्याण मंडप और स्थानीय सभागृह गुड़िकर निर्माण करापाई 125 कोटी टंका विनियोग करेंगे राज्य सरकार एवं 5T उपक्रम अधीन यहीसबु कार्यक्रम हाथ को नि भाव में पश्चिम ओडिशार लोक मान सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उन्नति आसी पार आहरी सुदृढ़ हो पार और सांस्कृतिक जीवन समृद्धि हो पार से दिगक विशेष गुरुत्व देते राज्य सरकार जार आधार में एभली एक योजना हाथ को नहीं राज्य सरकार मुख्यमंत्री सभागृह आलोचना करें जोड़ी होती झारसुगुड़ा प्रतिनिधि राजीव सिंह। राजीव जो दिगक आज आलोचना करुचे मुख्यमंत्री सभागृह जहाँ को राज्य सरकार प्राधान्य दे 125 कोटी टंका व्ययबराद कर विशेषकर पश्चिम ओडिशार 2000 कल्याण मंडप और स्थानीय सभागृह को
से जो घर गुड़िक अच्छी तार निर्माण कार्य करन्नति वास्तव में ये व्यवस्था हाथ को नहीं जाइए या द्वारा किभली जहाँ प्राधान्य सरकार दे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में समृद्धि और सुदृढ़ हो पार पश्चिम ओडिशा आप भावुं या द्वारा किभली कार्यकारी हम किमी यह कार्यकारी हो पारे वास्तव में जो दिग को लक्ष्य रखी राज्य सरकार ये योजना हाथ को नहीं वास्तव रूप नहीं पार चाषी मान संख्या मान कल्चर आर जमी भी जहां भी रही किमती बचे पारे जमी गोटे परंपरा टे रही पश्चिम ओडिशा रे सब गाँव रे प्राय माने आग बहुत दिन कालू गोटे काठ घर तैयारी कर रखती से काठ घर हिं सब कार्यक्रम करती ए जो राज्य सरकार जो ये मुख्यमंत्री ये जो पदक्षेप ये पदक्षेप जो से सब घर गुड़ा या भल बिल्डिंग रे जो लोक पाखापाखि गोटे बची पारे और जितकी भी सामाजिक कार्यक्रम हो धार्मिक कार्यक्रम हो सही से अनुष्ठान से करें या सागर आउ गोटे जिनस रही आम झारसुगुड़ा जिले में जितकी भी पूर्वर भी थिला प्राय 42 अच्छी झारसुगुड़ा जिले पूर्व जो राज्य सरकार करके रखी तार एसेसमेंट प्लानिंग कमिटी जिला प्लानिंग कमिटी करुच्ची ता सागर जो जो जगार आउ भी दरकार अच्छी सब जगार तैयारी सुधांशु निश्चय भाव आप भावुन जो काठर घर बर्तमान अच्छी निर्माण कर सभा घर कर से गुड़ी को आहरी उन्नत मानर कर वर्तमान जो सब स्थिति अच्छी काठ घर गुड़िकर तार परिचालना दायित्व क हाथ में अच्छे किए सब देखा चाह कर वर्तमान समय रे तैयारी करूले गाँ लोक मैंने निजे गोटे निज भर गोटे कमिटी तैयारी से माने निजे करूले आर जी रिपेयरिंग कॉस्ट तार मेंटेनेंस कॉस्ट सब निजे दूसरे काठ घुमा जंगल पाखे अच्छे जंगल को काठ आवल लेबर कॉस्ट दे कि चलाउले कि मान फील कर मुख्यमंत्री ये जिनस भी भाविले पक्का घर तैयारी हम जो कि मेंटेनेंस करिया को पड़ोनी सरकारी तारी रख रखाव कर ईच एंड एवरी जिनस सरकार बुझे केवल से मैंने उपभोग कर राजीव जो कहते वर्तमान निश्चय भाव में मुख्यमंत्री जो योजना मुख्यमंत्री सभा घर जो थे जो सब छोट छोट काठ घर था विभिन्न गाँ मानक अंचल मानक वर्तमान से कु निर्माण करा जिबो नुआ रूप दिया तार मेंटेनेंस वर्तमान राज्य सरकार बहन करेंगे जहाँ यही नुआ योजना जमा पड़ी मुझे जानकारी चाहिए वर्तमान झारसुगुड़ा जिले में ये जो सभा घर कथा आलोचना करुचे जो सभागृह को वर्तमान नुआ रूप देवे राज्य सरकार जहाँपाई 125 कोटी टंकार व्यवराध कर 2000 कल्याण मंडप सह जी सभा घर अच्छे से सब कु उन्नतीकरण नुआ सभा घर या वर्तमान यदि आम आभरेज देखा मोटामोटी देखा झारसुगुड़ा जिला को राजीव प्रति जिला प्रति ब्लॉक रे पाखापाखी एमती केतोटी सभाघर रही आप हिसाब से झारसुगुड़ा जिले में जदि देखिबे बेले झारसुगुड़ा जिले में प्राय गोटे ब्लॉक रे दीटा रु तीनटा मध्य रही गोटे कल्याण मंडप नार रही अन्य गोटे अन्य गोटे आउ कौन गोटे कर दीटा रु तीनटा गोटे ब्लॉक रे रही जो बड़ ब्लॉक लखनपुर ब्लॉक 33 टा पंचायत अच्छी से भलिया ब्लॉक झारसुगुड़ा जिले में रही से ब्लॉक रे तीनटा सभागृह माने लोकों कम हो जाती ये जो स्कीम आना प्लानिंग कमिशन आउरी कौ जगार दरकार से एसेसमेंट चली लोक बेसी बेनिफिटेड हो पारे या लोक मैंने जो भी डिमांड रखी आम लईकरा ब्लॉक रो लोक मैंने डिमांड रखी कि लईकरा जोन टू रे दीटा सभागृह दरकार ये स्कीम जरिया से मैंने से जिन भी पाई जिले में प्राय बर्तमान सुधा 42 रही जिले में आहरी दरकार अच्छी केतेटा दरकार अच्छी से एसेसमेंट चली से भाव में सुंदरगढ़ जिले में झारसुगुड़ा अपेक्षा सुंदरगढ़ जिले में बहुत बेसी रही कल्चरल डिफरेंसेस आउ गोटे जिन रही जेहेतु आदिवासी कम्युनिटी भितर विभिन्न आदिवासी मैंने रोचा गोटे गाँव में गोटे आदिवासी कम्युनिटी अलग आदिवासी कम्युनिटी भवन को यूज करना गोटे गाँव में दीटा भलिया लेखा दरकार कर पारे सुधांश भावुंट जो कहले तीनोटी समाज लोक मानी सभाघर कर सभागृह वर्तमान समय विभिन्न ब्लक अच्छी कौन कौन समाज लोक मैंने सभागृह को विशेष गुरुत्व दौरान वर्तमान समय रे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କୁଲତା ସମାଜ ରହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ସମାଜ ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୁଲତା ସମାଜ, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ପପୁଲେସନ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 40% ରହିଛି। ଇଲେକ୍ସନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବି ସେ ବହୁତ ବେନିଫିଟେଡ ହବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ଦେଖିଥିଲୁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟାରୁ 5ଟା ସାଂସଦ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା। ଇଏ ସ୍କିମରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଇଲେକ୍ସନ ରେ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟେଡ ହେବେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ଫୁଲଫିଲ ହବ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହାଘର ଠୁ ନେଇକି ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଗୃହରେ ସେମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ କିମ୍ବା ଆଉ କଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ଯୋଉ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସେସବୁ ହବନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡ ସମାଜ ରହିଛି ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଇଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପୂଜା ହେଲା ଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ରେ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ବି ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ ଦବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ସୁଧାଂଶୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହଉଛି କୁଲଟା ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ବା ଗଣ୍ଡ ସମାଜ, ଏଇ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ଏଇ କମିଟି ମାନେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାଘରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ। ତେବେ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହାୟକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ରାଜୀବ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ରାଜୀବ ସିଂ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ। କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଭାଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜୀବ ସିଂ, କି ତିନୋଟି ସମାଜ କୁଲଟା ସମାଜ, ଆଦିବାସୀ ସମାଜ, ଗଣ୍ଡ ସମାଜ, ଏଇ ସମାଜର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ବା ଏ ସମାଜର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ସଭାଘର ବା ସଭାଗୃହକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯାହା କହୁଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 42ଟି ସଭାଘର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, କେଉଁ ବ୍ଲକରେ 2ଟି, କେଉଁ ବ୍ଲକରେ 3ଟି, ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଆଭରେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଭାଘର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଘର ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜୀବ, କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଇ ଲୋକର ବା ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ଏଇ ଯୋଜନା ଫଳରେ। ମୋ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମହମ୍ମଦ ଫିରୋଜ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ। ମହମ୍ମଦ, ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଘର, ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ କରାଯିବ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଧାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 2000 କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଭାଗୃହ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି କେତୋଟି ସଭାଘର ଅଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସଭାଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଦୂର ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ? ଫିରୋଜ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ 5G ଜରିଆରେ ଯୋଉ ଅନେକ କାମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାମ ରହିଛି ସଭାଗୃହର, ଯାହାକି ଆମେ କହିବା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଟାଉନ ହଲ ରହିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲା ଘର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 2ରୁ 3 ଲେଖାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯୋଉକି ସଭାଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଅନେକ କମ୍ୟୁନିଟି ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ଫିରୋଜ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପାଖାପାଖି ଏମିତି କେତୋଟି ସଭାଘର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ହଉ ବା ଗାଁ ଅଧୀନରେ, ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଫିରୋଜ? ସାର୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 13ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି, 13ଟି ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ବ୍ଲକରେ 2ରୁ 3 ଲେଖାଏଁ ସଭାଗୃହ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ପୁନଃ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ସଭାଘର ଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯାଉଛି? ବ୍ଲକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ବ୍ଲକ ଅଥରିଟି ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଁ କମିଟି ଏଇ ସଭାଘରର
मेंटेनेंस हो तार परिचालन व्यवराद कर वीडियो को जरिया रे जो गां सरपंच अछंती से तांको सहित मिसी की ई गां रो जो सभाग्रह जो रही छी तांको मेंटेनेंस कर छंती ते बाबू छंती ए जो नुवा योजना राज्य सरकार कार्यकारी कले मुख्यमंत्री सभाघर बाबू छंती या द्वारा जति के सभाघर अछि विभिन्न ब्लॉक रे होबा गां मानन करे तार उन्नतिकरण हेई परिबो आउरी आवश्यकता मध्य अछि तार उन्नतिकरण पई निश्चित भाव में जहाँ की अनेक एमती सभाग्रह रही जहाँ की खराब अवस्था रही पुनरुद्धार करने जो मुख्यमंत्री पदक्षेप नहीं गाँव लोक स्वागत जन खुशी जाहिर कर पुनर्थर जो सभाग्रह मान जो रही उद्धार करेंगे और जो कार्य रही पुनरुद्धार को मुख्यमंत्री 5G हिसाब से पुनरुद्धार करेंगे बोली ते फिर जो देखिए जी सभाघर आप कलाहां जिले में अच्छी कहते हैं 13 ब्लॉक में विभिन्न गाँव में विभिन्न जगह दुईटी तीनोटी सभाघर अच्छी बस सभाघर गुड़िक कौन कार्यकारिता होउची कौन कार्यक्रम से सभाघर मानक होउची आपन नजर को आसी सर अनेक प्रकार कार्यक्रम रोचे जहाँ की गाँव में संस्कृति प्रोग्राम रोचे अनेक प्रकार किए जदि गाँव में कौन से प्रकार गोटे बंटन रोचे अनेक प्रकार संस्कृति को निज परिवेश जो रही अनेक प्रकार कार्य सभाग्रह कार्य आसता है ते फिर भावुंत ये जो सभाघर गुड़िक जी वर्तमान आप 13 ब्लक अच्छी कलाहां जिलार से गुड़िकर उन्नतिकरण करा जीवना ना स्थानीय लोक आहुरी डिमांड अच्छी ना आहुरी नुआ सभाघर करने वर्तमान जिते सभाग्रह अच्छी से सभाग्रह को पुनर्थर उद्धार करा जाऊ बोली गाँ लोक मैंने आगुरी मध्य जिलापाल द्वारस्थ होते नवीन पटनायक जेहेतु पुनरुद्धार कही गाँ लोक खुशी अच्छा आगामी दिन में देखा बाकी रही दिन मध्य सभाग्रह को उद्धार करने कार्य आरंभ हो निश्चित आशा करवा धन्यवाद देवी फिरोज आप सूचना जहां आम आशा करूचे बला कलाहां जिलार प्रतिनिधि जहाँ कहते पाखापाखि 13 ब्लक विभिन्न सभाघर अच्छी कौटी दुईट कौटी तीनोटी एमती सभाघर अच्छी समस्त आशा रखिंट राज्य सरकार के नुआ योजना जहाँकि मुख्यमंत्री सभाघर योजना नाँ परिचित जो राज्य सरकार 125 कोटी टंकार व्यवराद कर सभाघर गुड़िकर उन्नतिकरण तत्सहित नुआ सभाघर पर कारण पश्चिम ओडिशा जो रही व्यवस्था तर जो संस्कृति रही कि भाव में समृद्ध कर दिगक प्राधान्य देखते राज्य सरकार और गुरुत्व विभिन्न समाज व्यक्ति विशेष मैंने जमी भाव में यह सभाघर को व्यवहार करें सेवहार उपयोगी हो पार से दिग्क गुरुत्व राज्य सरकार एवं प्राथमिक पर्यायर 125 कोटी टंकार व्यवराद कर सूचना WDC ईस्टर्न ओडिशा डेवलपमेंट काउंसिल यार नजर रखिबो कि भाव में यह कार्यकारी हेब ए लोक मान जो आशा आकांक्षा अच्छी से सभाघर को लेकिन कारण यही जगह से एकत्रित होती सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्राधान्य देखते से जो संस्कृति रही बचाई रखापी सभाघर अनेक मात्रा सहयोग करें से पश्चिम ओडिशार बासिंदा मानक तेणु आशा कर राज्य सरकार पदक्षेप आगामी दिन में से संबलपुर हो बलांगीर हो कलाहांडी हो ये जिलार बासिंदा मानक अनेक मात्रा सहायक होबर जो संस्कृति रही संस्कृति को कमी बजाय रखिपारे संस्कृति को आहरी समृद्ध करें से दिगरे ये सभाघर आहरी गुरुत्व बहन कर मस्त बर्तन अच्छा संबलपुर प्रतिनिधि अमलेन्द्र नायक अच्छा संबलपुर अमलेन्द्र जो देखा जो दिगक नहीं आज आलोचना करुचे राज्य सरकार मुख्यमंत्री सभाघर योजना आरंभ कर सारी एने 125 कोटी टंका बजेट को अनुमोदन देखें 125 कोटी टंका खर्च करी सभाघर अच्छी पश्चिम ओडिशा तार उन्नतिकरण तार निर्माण करा सहित तो पाखापाखि 2000 टी कल्याण मंडप को मध्य उन्नतिकरण ते बलांगीर तबे संबलपुर जिला कथा जो आलोचना करवा बलांगीर पर संबलपुर कथा देखा संबलपुर जिले में केतोटी पाखापाखि सभाघर अच्छी जहाँ को वर्तमान ये मुख्यमंत्री सभाघर योजन सामिल करने को निष्पत्ति नहीं देखु सुधांशु जहाँ सूचना अच्छी जो आम कहीपर जो प्रधानमंत्री जो सभाग्रह जो घोषणा कर देखा गले मुख्यमंत्री आ गोटे पद जुड़े योजना मध्यम 2000 सभाग्रह जो ताजी पश्चिम ओडिशा तो ये पश्चिम ओडिशा जो कर संबलपुर जिला बात पड़ी ना यही मुख्यमंत्री जो सभाग्रह हम से सामिल अच्छा यार देखा गले
सम्बलपुर जिले जो 9 ब्लॉक रही आदिवासी बहुल अंचल बहुत प्रबल मान रही जो कुचिंदा कथा कहवा रेणाकोट कथा कहवा बामरा कथा कहवा सम्बलपुर जजुमरा कथा कहवा धनकोड़ा जिला कथा कहवा लेंगाली ब्लॉक अंतर्गत कह देखा गले आदिवासी बहुल अंचल गुड़ाक रही सभागृह आवश्यकता रही जिते घोषणा कले मुख्यमंत्री एठार देखा समस्त मनरे एक खुशी लहर उठी सभागृह होगा द्वारा से विभिन्न प्रकार जो उपकृत लाभ कर अनुमान आम करेतु विगत दिन से कौन प्रकार जदि सभा समिति करते कौन ना कौन सी टेन्ट करती बरगछ तले विभिन्न सभा समिति विभिन्न जो आदिवासी बहुत अंचल अच्छे खर्चांत होता जो कौन कार्यक्रम कर देखे क्यों कौन क्रिया कार्य जो सभागृह आवश्यकता पड़ता है से समय टेन्ट आनी खर्चांत होता कौन बह कार्य करने खर्चांत होती लाभ उठाई पारे आगामी दिन में जो ये सभागृह हे जो कल्याण मंडप गुड़िक हम से बेस खुशी अनुभव कर जिले में जो आदिवासी बहुत अंचल गुड़िक अच्छी से सभागृह गुड़िक रही है खुशी प्रकट करेंगे अनुमान करें आम सहित सम्बलपुर एक बासीदा अच्छा आसतु आम सीधा सब पचार ये जो 2000 जो सभागृह घोषणा कर मुख्यमंत्री केते खुशी अच्छा कौन कहे सर आप देख पहला कथा आम तो से मुख्यमंत्री किसी ना करवा बोल कि लोग जन कौन तो यम जना पड़े पश्चिम ओडिशा के लेकर आम मुख्यमंत्री केते दूर चिंतित अच्छा ये लोक ये अंचल आदिवासी गरीब लोक मान जगह ये नाटीदनु नहीं बामरा है कुचिंदा है विभिन्न जगह जेन गरीब आदिवासी लोक मैंने रोचन से मगे जेन सभागृह जेन कर जानपा मिलीजे प्राय 100 टकर 2000 सभागृह मैंने यहाँ आम लगे बहुत खुशी खबर है जेन गरीब लोक मैंने जेन विभिन्न अनुष्ठान मैंने से जगह फ्री करते आठ जेन एत दिन गोटे जेन लोक मान जेन आशा भरोसा थी कि सरकार कहाँ करना करता नु बड़ योजना कहना खबर शिक्षा है स्वास्थ्य है मानने लोक मान पा खेलवार लगी जेन आम खेल पड़िया है सब प्रकार कला संस्कृति सागे सागे ये जेन लोक मान जेन दरकारी जिन सभागृह मैंने जेन जगह बिहार बर्पण है कि जेन काम क्रिया जेनटा भी हवा से करते आई सरकारी योजन लोके निश्चित रूप से अनेक से जगह सुविधा पाए आमे ये अंचल लोक हिसाब से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दौर देखुले सुधांशु भाव में सम्बलपुर पासी जो ये 2000 जो मुख्यमंत्री सभागृह जो घोषणा कर सम्बलपुर पासी बेस खुशी प्रकट कर निश्चय आशा करवा जो अपेक्षा थी विशेषकर जो मैंने सभागर को परिचालना करते जो मैंने सभागर को लेकिन निर्भरशील थे से निश्चय भाव में सहयोग कर मुख्यमंत्री यही नुआ योजना मुख्यमंत्री सभागर योजना आशा करवा से संस्कृति और सांस्कृतिक जीवन क्षेत्र में यह आहरी सहायक एवं सहयोग कर धन्यवाद देवी अमलेन्दु आपंकर सूचनापी अमलेन्दु नायक आम सहित थे सम्बलपुर कि भाव में यह सभागर पर राज्य सरकार जो पदक्षेप नहीं जो नुआ योजना हाथ को नहीं मुख्यमंत्री सभागर योजना ना निश्चय भाव में यह विभिन्न जिलार विशेषकर पश्चिम ओडिशा अधीन विभिन्न जिलार आदिवासी संप्रदाय मानी अनेक मात्र सहायक हो पार जहाँकि आम देखुचे जहाँ शुणुले प्रतिनिधि मानी कि भाव में एभली गोटे दिग को राज्य सरकार गुरुत्व पश्चिम ओडिशार एभली गोटे जो दिग रही जो सभागर जोटा नीतिदिनिया गोटे घर थी जो समस्त एकाठी होते सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगक नौते एभली गोटे दिग को राज्य सरकार गुरुत्व दे पारती विश्वास कर पार ना जहाँ को बर्तमान राज्य सरकार गुरुत्व देखें 125 कोटी टंकार व्ययबराद कर राज्य सरकार यही सभागर गुड़ी आहरी उन्नतिकरण करने सेठाकर जो स्थानीय बासिंदा अच्छा बा जो मैंने आदिवासी संप्रदाय अच्छा विभिन्न संप्रदायर जो लोक मैंने अच्छा जो मैंने ये सभागर को ही गुरुत्व दे था सभागर निर्माण क्षेत्र में सभागर को कार्यकारी करने दिगरे सहयोग कर जो मैंने संपूर्ण निर्भरशील ये सभागर पर संस्कृति और सांस्कृतिक जीवन किभ आगे बढ़ से दिग्क सरकार प्राधान्य दे एक योजना हाथ को नहीं कौन प्रतिनिधि सम्बलपुर कि कुचिंडा हो रेढ़ाखोल हो रेंगाली हो जुजुमरा हो यह सब अंचल जो
आदिवासी संप्रदायर लोक मैंने अच्छा से मानकर गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग हूँ सभाघर जो एकाठी होती संस्कृति सामाजिक सामाजिक जीवन जापन अनेक कि आलोचना होता है बैठक होता है अनेक कि कार्यक्रम हाथ को नि जाए से द्वारा तेणु वर्तमान से सभाघर गुड़ी उन्नतीकरण करने द्वारा निश्चय भाव से सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में गोटे प्रकार सुदृढ़ीकरण हो पार समृद्धि आसपार मस्त अच्छा नारायण साहू अच्छा फोन लाइन में आम बलांगीर जिलूर नारायण देखिबा जो दिग को नहीं आज आलोचना करुचे जो योजना को नहीं आज आलोचना करुचे राज्य सरकार जो योजना हाथ को नहीं मुख्यमंत्री सभाघर ना योजना टी जो थे 125 कोटी टंका व्यवराद करेंगे राज्य सरकार पखापाखि 2000 टी कल्याण मंडप सह जी सभाघर अच्छी विभिन्न ब्लक जिले में तार मध्य उन्नतीकरण करेंगे तेना जानवाक चाहिए बलांगीर जिले में ये सभाघर वर्तमान स्थिति कौन केतोटी सभाघर अच्छी विभिन्न ब्लक रे तार स्थिति कौन एवं राज्य सरकार योजना घोषणा हला परे से सभाघर उपर निर्भर करुवा संप्रदाय हूँ व्यक्ति विशेष हूँ तर कौन रही मत व्यक्त ସଭାଘରର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 125 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ପାଖାପାଖି 2000 ଅଧିକ ଯେହେତୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କୃଷି ମୁଡ଼ିଶାର କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସଭାଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସଭାଘର ଯୋଜନା ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ଆଦିବାସୀ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାର ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ କହିପାରିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଖାପାଖି 14 ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ରହିଥିବା ବେଳେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସଭାଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଭାଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେହେଡ଼ା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ସଭାଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥାନ୍ତି କହୁଛି ନା କହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଲୋକେ କହୁଛି ନା କହୁଛି ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ବ୍ଲକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ସଭାଗୃହର ନଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସଭାଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ କିମ୍ବା ସଭାଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଯେହେତୁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମଣ୍ଡପ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରାଗଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି निश्चय भाव आप भावुंट वर्तमान ये जो नुआ योजना हाथ को नहीं बलांगीर जिलार कौ संप्रदाय कौ समाज यह विशेष सहायक हो पार आज दिन में ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ରହିଛି ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ସହ ଅନ୍ୟ ସମାଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏହି ସଭାଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପରମ୍ପରା ବସ୍ତି ମୁଢ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରମ୍ପରା ରହିଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାର ଫଳରେ ଏମାନେ ସଭାଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେହେତୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହିବନି ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ ଉପାନ୍ତ ଇଲାକା ହଉ ସମସ୍ତ ଇଲାକାରେ ବେଶ ସହିଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସଭାଗୃହ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଯେହେତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭାବ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଟାଉନ ହଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଉପକୃତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବା ଯୋଉ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନେକ ମାତ୍ରା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ନାରାୟଣ ସାହୁ ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ସରକାର ଯେଉଁ
पश्चिम ओडिशा को गुरुत्व देखते पश्चिम ओडिशा अधीन विभिन्न जिला को गुरुत्व दे से जिलार सभाघर गुड़ी कि उन्नतीकरण कर जो सब कल्याण मंडप अच्छी कि उन्नतीकरण कर दिग्क प्राधान्य देखते जहाँ कहूँ जो जो सभाघर अच्छी कल्याण मंडप अच्छी हूं तो परवर्त समय से कल्याण मंडप गुड़ी कार्य सभाघर जो दायित्व रही से दायित्व आगामी समय कल्याण मंडप गुड़िक तुलाई पारती तेणु राज्य सरकार उभय कल्याण मंडप और सभाघर गुड़ी उन्नति करने उन्नतीकरण दिगरे ये पदक्षेप नहीं जार आधार में मुख्यमंत्री सभाघर योजना कार्यकारी कर 125 कोटी टंका व्ययबरत कर गोटे लक्ष्य कि पश्चिम ओडिशार जो विभिन्न समाज लोक मैंने जो मैंने विशेषकर ये सभाघर उपर निर्भरशील से सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को आहरी किभली आगे बढ़े पारे आहरी उन्नति करें से दिगरे गुरुत्व दे राज्य सरकार यह एक निष्पत्ति नहीं जार आधार में ये योजना मुख्यमंत्री सभाघर कार्यकारी होती देखुले झारसुगुड़ा जिला हौ बलांगीर हौ संबलपुर हौ कलाहांडी जिला ये अंचल लोक मैंने बेस खुशी जाहिर करते एक योजना सरकार हाथ को नवा फल कारण से दीर्घ दिन हम जो समस्या घाटी होते विशेषकर जदि से संस्कृति को आगे बढ़ेगा एक सभाघर निर्माण करुले किए काठरे करुला तो किए कौटी आरेंजमेंट करवा कौटी विभिन्न प्रकार व्यवस्था कर सभाघर आयोजन करुले किए कौटी टेन्ट बाड़ी सभाघर आयोजन करुले कि वर्तमान राज्य सरकार जेहेतु पदक्षेप नहीं एक योजना हाथ को नहीं अर्थ खर्च करेंगे निर्माण करेंगे सभाघर तेणु से दिग्क निश्चय भाव आउ जो समस्या था से दिगरे ता समाधान हो पार एवं द्वितीय दिगटी होदी सभाघर निर्माण से मैंने तार परिचालना तार मेंटेनेंस जो अर्थ खर्च होता गोटे चिंतार कारण थी कारण से गाँ कमिटी जी अर्थ आसूला गोटे गोटे जगार हूं तो किसी जगह पंचायत अर्थ आसी होता कि प्रति समय स्पेसीफिकाली निर्दिष्ट भाव कौन सी बजेट यभाघर पर ना जहाँफल ये सभाघर को चालू रखापी चलई रखापी जो अर्थर आवश्यकता पड़ता ता गोटे बड़ समस्या सृष्टि करुला जो मैंने सभाघर को परिचालना करुवा जो मैंने सभाघर को लेकिन कार्य आगे बढ़ाते कि वर्तमान से समस्या मध्य दूर हो राज्य सरकार नुआ योजना फल मोस्त अच्छा सोनपुर आम प्रतिनिधि पिनाकी पंडा अच्छा पिनाकी जो देखा जो विषय को नहीं आज आलोचना कर राज्य सरकार नुआ योजना मुख्यमंत्री सभाघर विशेषकर पश्चिम ओडिशार जी अच्छा विभिन्न संप्रदाय समाज लोक मैंने जो मैंने विशेषकर सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को आगे बढ़ावा सभाघर उपर निर्भर कर सरकार ये योजना हाथ को नहीं तेरे सोनपुर जिला विशेषकर सुवर्णपुर जिले में कतोटी पखापाखि सभाघर अच्छी के ब्लक अच्छी कतोटी थी सूचना आप बर्तमान समय सुधांशु देखा जी सुवर्णपुर जिले में छोटी ब्लक 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 आज समय जहाँ एप्रुवाल आसी सब ब्लक रे 10-12 सभागृह योजना एप्रुव होगी आसी खुशी कथा जी योजना जो आसी सुवर्णपुर जिले में लागू होती तो निहाती भाव में जो विभिन्न ब्लक जो इंटेरियर लोक मैंने रोचार से गोटे छात तले समस्त सुविधा पाइबे यही योजना मध्यम से समस्ते विभिन्न मीटिंग अरेंजमेंट करि फेरिबे जो कि प्राइवेट निजर हाथ रु खर्च दौले यही ग्रह हवा द्वारा से मैंने निहाती भाव में फ्री योजन सामिल हो पारे आहती भाव में निश्चय से सब कार्य योजना लागू हम निश्चय देवी देव देखा पिनाकी जो सोनपुर सुवर्णपुर जिला कथा जो आलोचना करे विशेषकर कौ कौ संप्रदाय कौ कौ समाज यही सभाघर उपर निर्भर कर जो इंटेरियर रोचार से मैंने एक निर्भर कर चलिए विभिन्न संप्रदाय लोक मैंने रोचार उलुंडा ब्लक कहे जी खरापुरा बुजाशुलिया रोचार जो मैंने आदिवासी जो मैंने रोचे विभिन्न भाव यही योजना उपरे निर्भर काम आसब निहाती भाव से जेहेतु सुवर्णपुर जिलू बहुत इंटेरियर रोचे से योजना जिते घर याब से निहाती भाव में कम आसब सुधांशु निश्चय बेसिकली जब देखिथे ये जो सभाघर गुड़िक अच्छी जो मैंने कहते हैं आदिवासी संप्रदायर लोक मैं यह विशेष सहायक हम विशेषकर आप नजर सेमती अच्छी कौन कौन कार्य से करती कि भाव से संस्कृति और सांस्कृतिक जीवन को आगे बढ़ेबा ये सभाघर गुड़िक सहयोग करें निहाती भाव से प्रतिदिन निजर कल्चर को
से यदि प्राक्टिस करती विभिन्न छोट छोट पाठागार जो अच्छी से पाठागार प्राक्टिस करती किंतु से माने बाहागर हो कि व्रतघर हो कि निहाती भाव में छोट मोट मीटिंग हुए सभा समिति जहाँ हुए से प्राइवेट जो स्टेट आनी करती अरेंजमेंट करके करती किंतु यही योजना लागू है से माने निहाती भाव में घर पाइबे आउ पाखापाखि देखिए जदि सब पंचायत पाखापाखि यही घर निश्चय कल्याण मंडप गुड़ी को गुरुत्व जो कल्याण मंडप गुड़ी से ही जो हिसाब से निर्माण हवा कथा जो हिसाब से कार्यकारी हवा कथा वर्तमान जेहेतु कार्यकारी हो पारि ना तो ताकि अर्थ व्ययव्रत करते कल्याण मंडप गुड़ी को उन्नतिकरण कर सभाघर को कार्यकारी करें पाखापाखि कल्याण मंडप कौन अच्छी जार अवस्था वर्तमान से बोले ठीक नहीं जहाँ को मध्य गुरुत्व देखते राज्य सरकार सब सुवर्णपुर जिला को देखिबा में निहाति भाव जो कल्याण मंडप रही सब ब्लॉक रे तो रही किंतु सेटा अति माने एबे खराब अवस्था को गलानी किंतु एई योजना लागू हैला परे सब ब्लॉक रे पाखा पाखी 10-12 टी जदी रहिबा सभा गृह निहाति भाव रे लोक माने फायदा उठाई पारिबे समस्त कार्य से गोटे छात तले करि परिवार लक्ष्य रखिजंती आ आशा करिजंती जे अति शीघ्र एटा हेले निश्चय आशा मध्य से आज सरकार जो दिगो को प्राधान्य देखते सभाघर हो बा कल्याण मंडप गुड़िक उन्नतिकरण हो ताकु जदि कार्यकारी करा जीवो तबे आदिवासी संप्रदाय हो बा जो माने सभाघर को लेकिन विशेष गुरुत्व दे थांते सेमानक जीवन जीविका सेमानक जीवन एवं सेमानक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन क्षेत्र विशेष सहायक हो पारिबो। धन्यवाद देवी पिनाकी आपनकर सूचना पे आमस्त पिनाकी पंडा थिले सुवर्णपुर जिला रु एवं केबे हबरे ई जो मुख्यमंत्री सभाघर योजना सेमानक अंचल रे या विशेष सहायक हो पारिबो। अनेक समय रे कोनोसी सभा टी हो बा कहार बाहागर हो व्रतकर हो सेमानकु टेंट करी बा विभिन्न टेंट हाउस ऊपर निर्भर करी सेमान सेमानकर कार्य को आयोजन करथले किंतु वर्तमान राज्य सरकार कर जो नुआ योजना मुख्यमंत्री सभाघर यह कार्यकारी हेले सेमाने ए सबु समस्त तांकर कार्यकलाप विशेष करी ए सभाघर माध्यम रे करि परिबे एवं अन्य ऊपर तांकु आ निर्भर करबा को पड़िबो नै कोनोसी प्रकार मीटिंग रा आयोजन हो बा कोनोसी प्रकार सेमाने निज समाज लोक मैंने एकत्रित हूँ ना कहीं ये सब क्षेत्र में जो गोटे घर आवश्यकता पड़ा जहाँफल टेन्ट पर निर्भर करुते हाथ रू पैसा खर्च कर टेन्ट हाउस को आयोजन करुले विभिन्न घर भड़ा नौते ये सब आउ आयोजन करने को पड़ा ना राज्य सरकार से सभाघर प्रति ब्लक जोगेदेव एर्थ व्ययव्रत कर सरी एसत जो कल्याण मंडप गुड़िक विभिन्न ब्लक से कार्यकारी करून विभिन्न जगह कल्याण मंडप गुड़िक प्रायतः अकामी हो पड़ता जो हिसाब से तार डेवलपमेंट हवा कथा हो पार ना वर्तमान ये अर्थ व्ययव्रत फल कल्याण मंडप गुड़िक विभिन्न ब्लक कर कल्याण मंडप गुड़िक आहरी चलचंचल हो पार आहरी कार्यक्षम हो पार यही नुआ योजना राज्य सरकार मुख्यमंत्री सभाघर योजना मध्यम तेरे आशा कर राज्य सरकार जो दिग को प्राधान्य राज्य सरकार से दिग को हिसाब को ना निश्चय भाव में आगामी दिन में आदिवासी संप्रदाय विशेषकर आदिवासी लोक मैंने जेहेतु समस्त आदिवासी मैंने या पर निर्भर कर सभाघर पर अनेक सहायक हो पार मस्त अच्छा झस्केतन रणा अच्छा नुआपड़ा जिलूर झस्केतन देखा राज्य सरकार जो नुआ योजना मुख्यमंत्री सभाघर या विशेषकर नुआपड़ा जिलार के लोक मानी विशेष भाव के मात्र नुआपड़ा जिला सहायक हो पार झस्केतन देखु जहाँकि मुख्यमंत्री जो योजना बाहर कले स्वागत जगह योजना जो मुख्यमंत्री जो योजना बाहर कर स्वागत जगह योजना देखते नुआपड़ा जिला उपात तो आदिवासी अंचल यही अंचल अनेक लोक जहाँकि आदिवासी लोक बसवास करनेक लोक जहाँकि घंच जंगल पाखापाखी आदिवासी लोक बोलते एवं जदि घर टे जो तैयारी हे जो अनेक आदिवासी लोक उपकृत हे जी आम कह नुआपड़ा जिला नुआपड़ा जिला में अनेक आदिवासी लोके जहाँकि राज्य सरकार को अनेक काम पाई अनेक सुविधा होता है राज्य सरकार अनेक घोषणा करनेक काम आदिवासी लोक सामिल करतीक आदिवासी लोके बहुत खुशी खुशी अच्छा एवं जो राज्य सरकार जो घोषणा कर बहुत खुशी अच्छा तेरे से सूचना अच्छी झस्केत नुआपड़ा जिले में पाखापाखि वर्तमान समय केतोटी सभाघर कार्यकारी करुछि केतोटी ब्लॉक रे सभाघर अच्छी तार की सूचना अच्छी पाखे
ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ସଭା ଘର ଯୋଉ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, ଯୋଉ କି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି 5ଟି ବ୍ଲକ, 5ଟି ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଗାଁ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ଅନେକ ଗାଁ ରହିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଗାଁରେ ଯାହାକି ସଭା ଘର ହେବ, ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇଟା ହେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଆମେ ଖରିଆର କଥା କହିବା, କୁମନା କଥା କହିବା, ବୋଡ଼ାନ କଥା କହିବା, ସିନାପାଲି କଥା କହିବା, 5ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି, ଆଉ 5ଟି ବ୍ଲକରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାହାକି ହେବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସଭାଗୃହ ହେବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଗୃହ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା, ଯୋଉ କି ଆମେ ଉପାନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ସହିତ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯାହାକି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେବ ବହୁତ ତାହେଲେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯାହାକି କହିବା ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କଥା କହିବା, ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଖାସ କରି ଯୋଉ କି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଭଳି ସଭାଘରକୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସଭାଗୃହ ନୂତନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଦିଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଗୃହ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଝସ୍କୃତନ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଝସ୍କୃତ ରଣା ଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏଇ ନୂଆ କରି ସଭାଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେତିକି ବି ସଭାଘର ଅଛି ତାର କିଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଥା, ଯଦି ଦେଖିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ସେ କୃଷି ହେଉ, ଶିଳ୍ପ ହେଉ, କଳା ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ସଂସ୍କୃତିରେ ହେଉ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ, ଏହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ ବା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ହେଉ ବା ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଭାଘର ରହିପାରିବ, ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ରହିବ, ଦାବି ଯାହା ରହିବ, ତାକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଘର ଆଧାରରେ ବା ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ ବା ଗାଁ ହେଉ ବା ବ୍ଲକ ହେଉ, ସେଠାରେ ସଭାଘର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ସଭାଘର ନାହିଁ, ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ତା'ର କିଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କିଭଳି କରାଯିବ, ସେଠାକାର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ବିକାଶ କରାଯିବ, ସେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମନିଟରିଂ କରିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏଭଳି ଯୋଜନା ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଘର ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନିଟରିଂ କରାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଉଛି 125 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେ ଅର୍ଥ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଗୋଟିଏ ମନିଟରିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଏସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ, କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି କେତୋଟି ସଭାଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ, ସେ ହିସାବରେ ସଭାଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସଭାଘର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଭାଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନେ ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟ ମୁତାବକ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2000 କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଭାଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 125 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଭାଘର ଯୋଜନା ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଯେଉଁ ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଯେଉଁ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ନଜର ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମାଜ ହେଉ ବା ସେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହାୟକ ହେଉ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା କରିବା। ତେଣୁ ଆଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ଏବଂ
पश्चिम ओडिशा विकास परिषद को जो दायित्व देखते सरकार यार मॉनिटरिंग यार आवश्यकता यार कार्यकारिता ये सब दिग को प्राधान्य देवाई से क्षेत्र में पश्चिम ओडिशा विकास परिषद तार कार्य निर्वाह कर। एडसेस कोर्चे आज टुडेज बिग न्यूज को नमस्कार।